after 34 years evokes a mix of emotions for me. Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkan Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkan Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. और परवीन कश्मीर की कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने एक जांच कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है जो न सिर्फ कश्मीर में अकलियतों के तमाम कत्ल केसों की तहकीकात करे बल्कि वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के नस्लकुशी की वजूहात का पता लगाए। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि हुकूमत अंजानी गंजू कत्ल केस को दोबारा खोल रही है। जस्टिस नीलकंठ गंजू के कत्ल केस की जो इन्वेस्टिगेशन है अब एसआई करेगा और एसआई ने इस बारे में प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। इससे कश्मीरी पंडित खुश दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं परम कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं? आप दोबारा एसआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन्होंने लोगों से मांगे हैं, सबूत मांगे, कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इसको किस तरह लेते हैं? पहली नज़र में तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। 34 साल के इतने लंबे इंतजार या डिलेइंग टैक्टिक्स जो स्टेट की थी उसके बाद अब रीओपन हुआ है, एसआईए ने किया है, तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों का केस जो है जेनोसाइड का केस है और जस्टिस नीलकंठ गंजू एक कड़ी है उसकी, एक कड़ी है। ये 1500 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और जेनोसाइड है और होना ये चाहिए था कि जैसे हम कह रहे हैं 35 साल से कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में, वो टलती गई, किसी ने नहीं किया। अब ये जो हुआ है तो इसमें ये लगता है कि फर्स्ट केस विल बी डेल्ट जो नीलकंठ गंजू, तो इससे कोई वो पूरी तसल्ली नहीं है। एक केस अब 34 साल के बाद उठाएंगे, फिर दूसरे केस की और दूसरे अगले 34 साल के बाद टर्न आएगी, ये नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका फुल फ्लज्ड या तो आप एनआईए करते, एनआईए भी नहीं किया। हम आपको कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी कमीशन बिठाइए और इंक्वायरी कमीशन में नॉट ओनली कि जो मारे गए, कैसे भगाया गया, इस जेनोसाइड के कौन कौन से एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन सबका एक कच्चा चिट्ठा सामने आता, नहीं गया। और हम अभी भी उम्मीद करते हैं सरकार से कि आप नीलकंठ गंजू जी का करिए, उसमें सहयोग भी करेंगे लोग, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक को आप उठाएंगे, ये आई वॉश जैसा दिखता है कुछ। आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन एक इंक्वायरी कमीशन में पूरी, हम 34 साल से चिल्ला रहे हैं कि एक फुल फ्लज इंक्वायरी कमीशन और सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज हों उनकी देखरेख में हो। और केवल इतना ही नहीं, जो हम कह रहे हैं कि 1500 से ज्यादा हमारे लोग मारे गए, इतना ही नहीं कि ये कैसे संभव हुआ कि आपने इतनी बड़ी रिलीजियो एथनिक क्लींजिंग की, उखाड़ फेंका कश्मीरी पंडित को, आमूल चूल बाहर खत्म कर दिए। ये इसके कई डायमेंशन हैं। आपने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की, आपने हमारी जमीनें हड़पी, आपने हमारे तीर्थ हड़पे, नाम बदले, लोगों को मारा, लोगों की सब कुछ विनाश किया। उस सारे सर्वनाश को लेकर जिसे जेनोसाइड कहते हैं, जातीय संहार कहते हैं, नरसंहार कहिए, उसको स्टडी करिए। आपने नीलकंठ गंजू को ये किया, हम स्वागत करते हैं, लेकिन नीलकंठ गंजू एक कड़ी है। कैमरामैन आशुतोष के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट
शफीक उर्रहमान बर्क ने 34 साल पुराना केस हुकूमत की जानिब से दोबारा खोलने के फैसले पर कहा कि इस वक्त मौजूद लोगों को हुकूमत इंसाफ नहीं दे पा रही है, अब मरे हुए लोगों को इंसाफ देगी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पिछली बातें उठाई जा रही हैं, हालात खराब करने की साजिश है। इधर बीजेपी कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने समाजवादी पार्टी लीडर के बयान को शर्मनाक करार दिया। रैना ने महबूबा मुफ्ती को भी निशाना बनाया और कहा कि ऐसे सियासतदान ही वादी में तशद्दुद के जिम्मेदार हैं। तो अब ये पिछली है, ये बातें जितनी भी की जा रही है उखेड़ी जा रही है, ये तो हालात बिगाड़ने की बातें हैं, समझ गए ना। ये जानबूझकर इसका मतलब ये है कि हालात को खराब करने की और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे उन लोगों को न्याय मिलेगा, उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जो इस वक्त के उन्हें तो न्याय मिल नहीं रहा, अब उनके मरे हुओं को उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें क्या न्याय मिलेगा। जब न्याय अगर देना था तो उस वक्त मिलना चाहिए। जब कोई मामला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ऐसे किसी मामले के ऊपर इस किस्म की बयानबाजी देना गलत है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस किस्म की बयानबाजी करना। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया है। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, लेकिन कभी कभी सियासतदान इश्तियाल अंगेजी करके जहर घोल के अपने मफाद के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ ना इंसाफी हुई और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस मामले को लेकर तहकीकात की मांग की हो या तहकीकात की जा रही हो, ऐसे वक्त इस किस्म के बयानात ठीक नहीं होते। तो ये भी कहते हैं कि माहौल बिगड़ेगा, खलीज पड़ेगी। जब मामला जो है वो सुनवाई के लिए गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब तक इसकी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई बयानबाजी देनी चाहिए। लेकिन किसी की लाश पर सियासत करना गैर कानूनी, गैर आईनी तो है ही है, इंसानियत को भी शर्मसार करता है। महबूबा मुफ्ती के बयान की तरफ, उन्होंने कल कहा कि आप लोग परिवारवाद की बात करें, आप सिर्फ तीन परिवारों की बात करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, यहां बेरोजगारी है, करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात को जानती है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन का दौर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उस पर्ची में कितनी सच्चाई है, भक्त उसी समय 16 चैनल करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में शोपिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया। मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संको में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग। चौथी योगासन दो दिवसीय चैंपियनशिप त्राल के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए।
अनंतनाग के गंजीवारा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और R&B विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। जोनल TLM मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने TLM का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाप्त। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला SIA ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा, सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। हज कमेटी लद्दाख UT ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज टीम जे के लिए इस पर आप देख रहे हैं प्राइम नोन एट वन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 1989 में आजाहनी नीलकंठ गंजू के कत्ल के पीछे साजिश के तहकीकात के फैसले का खरमखदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रविंदर शर्मा ने कहा है कि पुलिस को दीगर तमाम कत्लों की भी तफ्तीश करनी चाहिए। उन्होंने इस हवाले से न्यूज 18 के साथ बातचीत की। ऐसे उसमें SIA ने यह कहा है कि लोग जो भी जानते होंगे कुछ भी उसके बारे में वो जानकारी दें, ताकि ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो क्या थी, क्यों कर उनको उनकी हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है इस कदम? देखिए, कोई साजिश का अगर पर्दाफाश किया जा रहा है तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि किसी भी जांच में लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरह की बहुत सारी हत्याएं हुई, 34 साल के बाद याद आया कि उसकी जांच करनी चाहिए, और अभी तक वो एजेंसी जो है वो आज तक क्यों नाकाम रही कि उसकी साजिश को बेनकाब नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसी साजिश थी तो 34 साल से क्यों नहीं हुआ। हत्याएं तो इसी तरह से बहुत सी हुई, माइनॉरिटीज की भी हुई, तो हर मौत जो है वो दर्दनाक है, हर हत्या जो है वो एक कलंक है, और सेलेक्टिव हत्याएं जो हुई हैं उसके पीछे तो जरूर पाकिस्तान की आतंकवाद की साजिश तो थी। तो इसलिए उन तमाम साजिशों का बेनकाब करना चाहिए, कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि आज तक क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस भी सरकार में रही, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार को अब क्या कहेंगे, तब इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, ना सरकार जांच करती है ना पॉलिटिशियन करता है, वही ऑफिसर वही मशीनरी उस वक्त भी थी, वही मशीनरी आज भी है, 9 साल से ये भी हैं, और बीच में BJP और भाजपा की सरकार भी थी। अगर आप उंगलियां उठाने लगेंगे तो हर पे उंगली आ जाती है। तो क्या कांग्रेस ना आयल थी तो बाकी जो लोग थे वो भी ना आयल थे? तो इसलिए कांग्रेस जो बाकी का सवाल नहीं है, किसी ने कोई पर्दादारी नहीं की है। अब क्या उसमें ट्विस्ट या टर्न देना चाहेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए। लेकिन 34 साल तक यही मशीनरी, यही IPS ऑफिसर, यही पुलिस एजेंसी, वही पुलिस एजेंसी जांच कर रही है, इसलिए इसका सियासी मायने निकालना अगर होगा तो मैं समझता हूं कि वो इंसाफ नहीं होगा। लेकिन अगर सही मायने में आप उस चीज जांच कर रहे हैं तो ऐसी और बहुत सी हत्याएं हैं, बहुत से मिनिस्टर्स मारे गए, MLA मारे गए, तो हर हत्या मैंने कहा कि उसके पीछे साजिश कोई ना कोई होती है। किश्तवाड़ में किलिंग्स हुई हैं, इस सरकार के दौरान में हुई है, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, कश्मीर के अंदर हुई हैं, उंगलियां उठती रही हैं, कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलिटेंटों को कैरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो तमाम चीजों को बेनकाब करिए, बहुत अच्छी बात है, हम चाहेंगे सच सामने आना चाहिए, और किसी को भी किसी भी मकसद से मारा गया, पाकिस्तान और आतंकवादी तो सामने मंसूबा लेकर के खड़े थे वो हमको मालूम है, अगर और कोई एंगल है तो उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। वही तो CBI करती रही, वो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको जांच मिलती रही,
तो आज NIA भी है, अब SIA है, तो ठीक है, हम किसी भी ऐसी चीज का स्वागत करेंगे अगर वो बगैर किसी सियासी मोटिव और टारगेट के होगा। और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कहा कि इस साल यौम आजादी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस साल अजीम उशान जश्न का इनेकाद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी और DC श्रीनगर एजाज असद के साथ आज बख्शी स्टेडियम का दौरा किया, जहां स्कूली बच्चे 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि लाल चौक में ज्यादातर मनसूबे 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जो एक प्रधानमंत्री जी ने एक सबको एक संदेश दिया है कि हम लोग पंच प्रण जो हैं, जिसमें कि बहुत मूलभूत बातें हैं कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक और जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना है, इसी तरह से गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और हमें अपने जो हमारी ट्रेडिशन है उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, उस पर हमें नाज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोग की जो परंपरा रही है, कुछ सालों के इतिहास छोड़ दें अगर हम, तो भारत सबसे विकसित देशों में से एक हुआ करता था, तो हमें उसी जगह पहुंचना है जहां पे हम हमेशा से रहते आए हैं। और वादी कश्मीर में मेवा सनत के बाद अब डेयरी इंडस्ट्री भी फरोग पा रही है। पुलवामा को जहां दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटों के कायम होने से सनत को बढ़ावा मिलने से मकामी और गैर मकामी अफराद को इस सनत से रोजगार भी हासिल हो रहा है। आप ये खास रिपोर्ट देखें, हमें दें इजाजत। पुलवामा जिले से रोजाना लाखों लीटर दूध की पैदावार होती है। दूध की क्वालिटी को बरकरार रखना और माकूल कीमतें न आने से काश्तकारों को दिक्कत ही पेश आती थी। तहम गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान वादी कश्मीर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों का क्याम अमल में लाने से इस सनत को फरोग हासिल हुआ है। सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा पुलवामा में इस वक्त 4 दूध के प्लांट मौजूद हैं, जिनमें काफी पढ़े लिखे बेरोजगार अपना बेहतर रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो नमो इंडस्ट्रीज मतलब दुधित इंडस्ट्रीज से डेयरी प्लांट से मोकू रेट मिले फीएट SNF मुताबिक मिले रेट दुधस बिल्कुल से बिल्कुल असल क्या की ग्रोवरन तो आव फायदे अम सी डेयरी फार्मर तक बढ़ डेयरी फार्म लड़के बेरोजगार लड़के तमो हेत इन सत्य कर लिहाज कि तुम दुधान पन यो तिमन मोकू रेट मिलान। जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, एक तो यहाँ का जो रोजगार है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लोकल यूथ को उनके लिए हम रोज़गार जनरेट करें और इवन वो होता भी है। हमारे प्लांट में डायरेक्टली अगर हम देखेंगे अराउंड 100 जो पीपल दे आर वर्किंग विद अस, और इनडायरेक्टली जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, और दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद अस। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों के कायम होने से डेयरी इंडस्ट्री को नई पहचान मिली है, जो कि अब एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। इससे न सिर्फ इसे मकामी और गैर मकामी पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। आजकल के इस दौर में जहां सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, वहीं डेयरी इंडस्ट्री से अब भी रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहां पे ये जो डेयरी, मतलब आपको पता है कि जो पुलवामा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है, इसको आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो काफी होती है, यहाँ पे दूध की प्रोडक्शन जो यहाँ पे होती है वो काफी होती है। तो उस वजह से यहाँ पे मतलब जो हमारे मतलब IGC लासीपोरा में जो इंडस्ट्री यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है यहाँ पे, तो उनमें मतलब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यहाँ पे आके अपना जॉब मतलब कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले से हूँ और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, और ये सबसे अच्छा ये है कि अपना डेयरी इंडस्ट्री मेरी नज़र में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें 365 दिन का इंसान को वर्क मिलता है और मुझे बहुत बहुत आगे जाने का अवसर मिला। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, क्वालिटी कंट्रोल करता हूं और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और यहां पे मुझे सपोर्ट भी बहुत मिला। मैं क्वालिटी चेक करता हूं, रॉ मिल्क का जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी मैं चेक करता हूं। हमारे पास जो भी रॉ मिल्क दूध आता है उसका फैट हम चेक करते हैं, उसका SNF हम चेक करते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन अगर है वो चेक करते हैं हम, अगर अडल्ट्रेशन होगी तो उसको रिजेक्ट करते हैं हम, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते उस दूध को हम। हमारे पास SGT दूध की चेक करते हैं, उसकी प्रोटीन स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ये सब चीज़ें अगर उसमें नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जिला पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। डेयरी इंडस्ट्री से बिलवास्ता और बिलावास्ता कई अफराद अब अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं।
पुलवामा को पहले ही आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है दूध की पैदावार में। यहाँ पर देखा गया है कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पर कायम हुए उससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी फ़र्ग हासिल हुआ है, न सिर्फ दूध इंडस्ट्री को बल्कि जब जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए अब बेहतर रोजगार के वसाइल भी पैदा कर रही है ये इंडस्ट्री। बिलाल खान, न्यूज 18, पुलवामा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सिकाल ने बैठक में लिया हिस्सा, हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की। जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। दो दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। डीजीबीआरओ राजीव चौधरी ने सांबा के दीवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले खन्नाबल पहलगाम मार्ग पर अधिकांश क्रॉसिंगों पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर की कमी के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि हाल ही में मैगडम बिछाने के बाद आरएनबी विभाग ने यहां से सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए हैं। सेना ने सभी धर्मों का सम्मान करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए हज से लौटे लोगों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। इस संबंध में कंगन आर्मी कैंप ने गांधरबल जिले के कंगन के ओसन क्षेत्र के हाजियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत सत्र का आयोजन किया। किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में शोपिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। Presented by एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सीएम सुक्खू का ऊपरी शिमला का दौरा, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, अधिकारियों से राहत कार्य को लेकर करेंगे मंथन। पिछले 8 दिनों से बंद चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल, शाम तक बस सेवा भी शुरू होने की उम्मीद, वैकल्पिक मार्ग सुचारू रूप से चलते रहेंगे। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार के बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया समर्थन। कहा, नेशनल हाईवे को हुए नुकसान के लिए एनएचएआई जिम्मेदार, वैज्ञानिक तरीके से निर्माण की वजह से हुआ नुकसान। सेब मंडी सोलन में ठप हुआ सेब के व्यापार पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की तूतूक, लिखित शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। पेटी पर 2 किलो कट के विरोध में आढ़तियों से सेब नहीं खरीद रहे व्यापारी। अमीर विधायक वाले राज्यों में शुमार हिमाचल, हिमाचल के 2 विधायक अरबपति, हिमाचल के विधायकों की औसत संपत्ति देश के सभी राज्यों के विधायकों की औसत संपत्ति के बराबर। और चांद से बिटिया को पिता ने किया चांद का टुकड़ा गिफ्ट, चांद पर खरीदी 1 हेक्टेयर जमीन, 18वें जन्मदिवस पर $300 खर्च कर खरीदी चांद पर जमीन। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नालागढ़ के तहत पुलिस थाना बानपुरा के तहत 2 अलग अलग जगहों पर सुसाइड की
मामले सामने आए हैं। पहला मामला गांव हरायपुर का है, जहां एक साल के प्रवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला खेड़ा में दुर्गाधाम कॉलोनी का है, जहां 24 साल की विवाहिता ने पंखे से लटक कर जान दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विवाहिता सीता देवी की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और वो अलग अलग रह रहे थे। सब कुछ सही से चल रहा था, घर परिवार में क्या होता है ना होता है सब बाप बेटी हमें कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, दिल पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। और हमारे रिपोर्टर इस वक्त जगत सिंह बैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगत, क्या है पूरा मामला ये? जिनमें दो लोगों की मौत के जो मामले हैं सामने आए हैं, एक मामला हरायपुर गांव का है, जहां पर एक प्रवासी व्यक्ति ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली और उसी मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दूसरा मामला खेड़ा गांव का सामने आया है, जहां पर एक 24 वर्षीय विवाहित महिला ने आत्महत्या की है। जैसे ही उसके जो परिवार वाले थे वो नाइट ड्यूटी के लिए गए थे, उसके जो फादर थे साढ़े छह बजे के आसपास जैसे ही देखा कि पंखे चुन्नी से गले को बांध कर पंखे से उनकी जो बेटी है वो लटकी हुई थी, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उसको नीचे उतारा, लेकिन जब तक नीचे उतारते तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, अभी पुलिस मौके पर है, पुलिस जो मामले की जांच है वो कर रही है। और ये जो लड़की थी, प्रवासी लड़की थी जिसकी मौत यहाँ पर हुई है, ये किराए के मकान में रहते थे, अपने पति से करीबन एक साल से अलग रह रही थी, अपने मायके अपने माता पिता के घर आई थी, उसके पिता ड्यूटी पे गए थे, किसी निजी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इसने किस वजह से फंदा लगाया, किस वजह से आत्महत्या की, कई सवाल ऐसे हैं जिनका अभी पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएंगे कि आखिर आत्महत्या के पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं जो सुसाइड के मामले है, आपको बताऊं पिछले एक महीने की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जो सहनशीलता की बात की जाए तो यहाँ पर कम होती हुई लोगों में नजर आ रही है। छोटी छोटी बात को लेकर पिछले दिनों देखा कि घरेलू विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद सुसाइड कर लिया। सेम केस नालागढ़ के बार नंबर 6 में भी इसी तरह सामने आया, पत्नी से लड़ाई हुई, उस व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। कहीं ना कहीं जो मामले हैं नालागढ़ में इस तरह के सुसाइड के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा का ही जो मामले हैं वो सामने आए कि घरेलू लड़ाई, घरेलू क्लेश के चलते ऐसी मौतें हो रही है। अब फिलहाल इन दोनों मामलों में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी दोनों के ही शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि असल कारण जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएंगे आखिर क्या हो रहे होंगे। फिलहाल पुलिस इन दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जगत तमाम जानकारी के लिए। और इस दोहरे सुसाइड मामले के बाद अब रुख करेंगे अगली खबर का। और ये जो अगली खबर है वो सीएम सुखेंद्र सिंह सुक्खू के दौरे से जुड़ी है। सीएम सुखेंद्र सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर बड़ी खबर ये है कि सीएम सुक्खू आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं। यहाँ वो चौपाल पहुंच चुके हैं, वहीं कोटखाई और रोहड़ू का दौरा करने वाले हैं। वो यहाँ आपदा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। वहीं 9 अगस्त को वो रामपुर के ननखड़ी का दौरा करेंगे। उनका कोटगढ़, नारकंडा और कुमारसैन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करके राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम सुक्खू का 9 अगस्त की शाम को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। तो सीएम सुखेंद्र सिंह सुक्खू का आज से ऊपरी शिमला का दौरा शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चौपाल पहुंच चुके हैं, वहीं कोटखाई और रोहड़ू का भी दौरा करने वाले हैं। वो यहां आपदा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आई हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, ये वो उनसे मिलकर जानेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी बदाप्ता। और जब वो दौरे से लौटेंगे तो इस पर जो आगे की कार्ययोजना वो तैयार की जाएगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, सीएम के दौरे को किस तरह से देखा जाए और क्या दौरा उनका शुरू हो चुका है, क्या फोकस है दौरे का?
जी हाँ, देखिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक दौरा बनाया था, वो ऊपरी शिमला का जो रोडू इलाका है वहां पर मुख्यमंत्री को दौरा करना था, कोटकाई क्षेत्र का दौरा करना था, लेकिन कुछ समय पहले दिल्ली जाने से पहले जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो तय भी हो चुका था, लेकिन वो भारी बारिश के कारण स्थगित हो गया था। अब ये मुख्यमंत्री जो है ऊपरी शिमला, क्योंकि सेब बाहुल इलाका है, वहां पर खासी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासा नुकसान वहां पर हुआ है, तो मुख्यमंत्री आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर है। करीब करीब एक घंटा पहले जो है मुख्यमंत्री चौपाल पहुंचे हैं। चौपाल में जो है जो सियाली हेलीपैड है वहां पर मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उनके साथ है, जो भाजपा के विधायक है, स्थानीय विधायक चौपाल के बलबीर वर्मा, वो भी साथ में मौजूद है, और जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कांग्रेस के रजनीश किमटा जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने स्वागत मुख्यमंत्री का किया है और सबसे पहले वो जो है वहां पर एक स्थानीय देवता के मंदिर में गए हैं, वहां पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की है, और इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो चौपाल में है वहां पर मुख्यमंत्री ने जाना है। ये भी जानकारी दी गई है कि शायद जहां जहां कुछ नुकसान हुआ है एक आधा क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे, आपदा प्रभावितों से मिलेंगे और किस तरह से राहत और पुनर्वास का कार्य वहां पर चल रहा है इसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे, क्योंकि चौपाल का जो इलाका है दुर्गम इलाका है और सेब बाहुल इलाका है, वहां भी खासी दिक्कतें लोगों के को झेलनी पड़ी हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो दूर दराज के इलाकों से पहुंच नहीं पाती हैं, तो मुख्यमंत्री उसका भी उसकी भी रिपोर्ट यहां पर लेंगे। उसके बाद ये जानकारी निकल कर आई है कि जब यहां पर वो उनका दौरा कंप्लीट होगा तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री सीधा कोटखाई जाएंगे, जो ऊपरी शिमला का जो इलाका है अहम क्षेत्र है, और जुबल कोटखाई से विधायक भी रोहित ठाकुर ही हैं जो शिक्षा मंत्री है। कोटखाई में देखिए किस तरह का नुकसान हुआ है, क्यारी गांव मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और जन समस्याएं भी मुख्यमंत्री ये सुनेंगे। और ये भी जानकारी है कि जो ठियोक हाटकोटी जो रोड है उसका भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे कि वहां जहां जहां पर नुकसान हुआ है रिस्टोरेशन वर्क जो है किस तरह से चल रहा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जो ऊपरी शिमला का दौरा है ये सेब बाहुल इलाका है, सबसे ज्यादा सेब जो है शिमला जिले में ही होता है, और यहाँ पर किस तरह की परेशानी रोड बंद होने के कारण बागवानों को झेलनी पड़ रही है, मंडियों तक जो है सेब पहुंचाना एक कड़ी चुनौती कई इलाकों में बनी हुई है, तो मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और कोटखाई के बाद आज ही मुख्यमंत्री जो है रोडू जाएंगे। रोडू में सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री आज रुकेंगे और वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि रोडू क्षेत्र से ये खबर निकल कर आ रही है कि अधिकतर जो संपर्क मार्ग हैं वो अब भी प्रभावित हैं, उन्हें जो है जल्द से जल्द खोला जाए। तो मकसद ये भी है मुख्यमंत्री का कि वो रिपोर्ट लें, स्वयं वो देखें कि कहां कितना नुकसान हुआ है, और बड़ी बात इसमें कि जहां मुख्यमंत्री का दौरा होता है सरकारी मशीनरी वहां पर तेज गति से कार्य पूरा फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है और जो कार्य हैं जो पेंडिंग है उसमें थोड़ी तेजी आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। एंटी करप्शन फोरम और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर के उस बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे को यानी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नुकसान के लिए यानी एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। कैबिनेट ने नेशनल हाईवे जहां भी कहीं नुकसान हुआ उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया एनएचएआई को, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उनका यह कहना है कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण की वजह से ही नुकसान इस कदर ज्यादा हुआ है। जो बारिश भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में हैं, चाहे आईपीएच के हैं चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स
विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश के 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दिए। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर किए हैं मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में जो है उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र चाहे वो स्कूल्स हैं चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द-गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको जो कि 10-12-15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 1,00,000 रुपये जो है जिनके घर को नुकसान होता है चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है वो 1,00,000 के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपये से अधिक नहीं मिलता था तो लोगों में राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपये बीघा मिलता था 5,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगड़ी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया, मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संकों में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग। चौथी योगासन 2 दिवसीय चैंपियनशिप त्राल के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई जिसमें बड़ी संख्या में सेना पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए। अनंतनाग के गंजीवाड़ा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और R&B विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। जोनल TLM मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने TLM का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाप्त। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला SIA ने लोगों पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK में। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। पिछले 8 दिनों से बंद चंडीगढ़ से शिमला नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। DSP सोलन भीष्म ठाकुर ने बताया कि सुबह 11:40 पर कालका शिमला नेशनल हाईवे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया और 4 बजे तक बस सेवा शुरू होने की संभावना है। वैकल्पिक मार्ग भी अभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। से चलनी शुरू हो गई है और ये 3 तारीख से बंद थी। 3 तारीख की रात से जो है ट्रैफिक बंद हो चुका था, काफ़ी हैवी लैंडस्लाइड हुआ था और आज जो है 11:40 पे लाइट व्हीकल्स इंक्लूडिंग पिकअप जो सेब की पिकअप होगी टमाटर की पिकअप होगी उन्हें चलने के लिए उन्हें चलने दिया जाएगा। किंगो मंडिया तक परमाणु और कालका और पिंजौर के लिए उन्हें चलने दिया जाएगा और जो हैवी व्हीकल्स अभी फिलहाल नहीं चलेगी और बसेस ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो पैसेंजर व्हीकल है 3 या 4 बजे तक रोड की जो कंडीशन होगी उसके अनुसार चला दी जाएगी। उसके बाद जो है हैवी व्हीकल्स ट्रक वगैरह यहाँ से चलाएंगे। जैसे मुझे रास्ता खुलने की सूचना मिली 12:45 बजे सबसे पहले हमने अपना
छोटा वाहन यहाँ से क्रॉस कराया, उसका सफल प्रयास रहा। उसके पश्चात सभी वाहनों के लिए जैसे कि NHAI के डायरेक्टर ने हमें निर्देश दिया कि निकाल सकते हैं। अब हम यात्रियों को शिमला से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से शिमला जाने वालों को खाली बसें अभी क्रॉस करवाएंगे यहां से, और यात्रियों को ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। आज 8 दिनों के बाद हमारा ये चक्की मोड़ रोड जो है बहाल कर दिया गया NHAI द्वारा, और यहां के स्थानीय लोगों ने भी आज जो है जैसे हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं ख्वाजा महाराज जी को मीठा भोग लगाकर उसकी पूजा अर्चना की है, ताकि ये जहाँ जितना चल रहा है उतना ही रहे। और मेरा एक और गुजारिश है कि NHAI द्वारा जिस तरह से पहले कटान ये हुआ उस तरह से ना हो, और कृपया करके अब तो NHAI जो है सही ढंग से अपना कार्य पूर्ण करे। और सोलन की सेब मंडी में सेब खरीदारी बंद होने को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि लिखित में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, जो नियम तय किए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। नेगी ने आगे बताया कि आपदा से प्रदेश में अब तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और केंद्र से अब तक राहत राशि नहीं मिली है। सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है, ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है पटक ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है इन्होंने कोई बैठक जो है APMC के सेक्रेटरी के साथ रखी थी, उस कारण जो है थोड़ा सुबेरे के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। दरअसल हिमाचल में सेब की बिक्री को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। सरकार की सख्ती के बाद आढ़ती नानुकुर करते हुए यानी किसी भी तरह से मान गए किलो के भाव से सेब खरीदने लगे थे, मगर अब बाहर के व्यापारी नए सिस्टम से सेब की खरीद से इनकार कर रहे हैं, जिससे बागवान फिर परेशान है। सेब की बिक्री पर नए संकट की शुरुआत, बागवान और आढ़तियों से आगे बढ़ा विवाद, व्यापारी कर रहे सेब खरीदने से इनकार। सब ग्रोवर बोल रहे उठाओ माल उठाओ, अब एक गाड़ी आप मांग रहे और एक गाड़ी नहीं लगाते, और उसके बाद हाथ खड़े कर देंगे लोग बाकी का है नहीं। बागवान और आढ़तियों के बीच विवाद की तस्वीर सोलन सेब मंडी की है। बागवान सेब बेचने आए हैं, लेकिन आढ़ती खुद को सेब से खरीदने से असमर्थ बता रहे हैं। उनका कहना है कि किलो के भाव पर बिना किसी कट के हम तो सेब खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के जो व्यापारी यहाँ आकर हमसे सेब खरीदते हैं अब वही अपना नुकसान बताते हुए सेब नहीं खरीद रहे, तो हम सेब खरीद कर क्या करेंगे। अब देखो हमारे पास तो कोई खरीदार है नहीं फिलहाल, अब हम क्या बोल सकते हैं। अभी HPMC सरकार का उसमें HPMC माल खरीद सकते हैं, उनको खरीदना चाहिए क्योंकि वो अपने लेवल पे उन्होंने कहा कि हम स्टोर भी कर सकते हैं या हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, तो उनको करना चाहिए, किसानों के लिए स्टेप लेना चाहिए। अब हम तो खरीदारों के ऊपर डिपेंड है क्योंकि उनको माल जब वो खरीदेंगे तो हम आगे बेचेंगे। तो मतलब आज आढ़तियों द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, आपको ये कहना है? आढ़ती कहाँ से करेंगे जब खरीदार ही नहीं होगा तो हम किसको बेचेंगे माल। सेब खरीदने से मना कर रहे व्यापारियों का कहना है कि सड़क खराब होने से उन्हें पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और अब किलो के भाव पर 100 किलो पर 2 किलो कट के साथ सेब खरीदना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो गया है। इसका विरोध शिमला में भी हो रहा है। 2 किलो के काट नहीं मिल रही, अगर 100 रुपए किलो माल खरीद रहा हूँ तो 200 रुपए कार्टून का जा रहा है, फिर किलो के बजे 10 रुपए भाग जा रहा है हम लोगों का, कहाँ से पैसे ले आके देंगे। एक तो ऐसे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान लग रहा है, पैसे बन ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से 2 किलो काट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग व्यापारी तो मुश्किल हो गया अब शिमला हिमाचल प्रदेश में रहना। अभी देख लीजिए हमने ये देख लीजिए 100 रुपए किलो लिया, हाँ जी,
इसमें दो किलो काट नहीं होगा तो 200 रुपया सिर्फ कार्टून का लग जाएगा जी, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, जैसे आपने किलो पर बोला, किलो को हमने खरीदना शुरू कर दिया जी, लेकिन जो काट है वो तो काट तो होना चाहिए, कार्टून का पैसा तो हम नहीं देंगे। बाढ़ बारिश से हुई तबाही के बाद बागवान इस बार बड़ी मुश्किल से मंडी तक सेब पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन पहले 8.5 किलो के भाव से सेब नहीं खरीदने पर अड़े रहे और अब व्यापारियों की मांग नई परेशानी बन गई है। सोलन से कीर्ति कौशल के साथ कपिल ठाकुर, न्यूज 18 शिमला। और वहीं सेब उत्पादक संघ ने आढ़तियों के बाद अब व्यापारियों के विरोध और हड़ताल को दोनों की मिलीभगत बताया। बागवान इसके विरोध में 23 मार्च को प्रदर्शन भी करेंगे। सेब उत्पादक संघ ने शिमला और सोलन एपीएमसी पर भी सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि आढ़ती और व्यापारी मिलीभगत कर किलो के हिसाब से सेब की बिक्री के फैसले को लागू नहीं होना देना चाहते और जिस एपीएमसी पर फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी है वो भी इसे सख्ती से लागू नहीं करा रहा है, जिससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। और प्रदेश भर के बागवान इसके विरोध में 23 मार्च को ढली एपीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये जो व्यापारी आरती भाई है ना, ये जो ना इस जो किलो की अपने आप को बैक में जा करके वो आपका लदानी को आगे ला करके और किसानों को जो है ना एक परेशानी जो है ना पैदा कर रहे हैं और इसको लेकर के कि ये सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाए। तो ये जो सारी हमने ये समझते हुए हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं इस बात का, और इसको धरातल पे करने के लिए जो ये मतलब एक अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसका विरोध करने के लिए, मतलब इसके जो जनता की नीचे आवाज है उसकी लामबंदी करने के लिए हमने सेब उत्पादक संघ ने जो इसको रेगुलेट करना है वो आपका एपीएमसी है, एपीएमसी ने इसको रेगुलेट करना है। और इसके अंदर में और भी बहुत सारे इश्यूज जो है ना हमेशा रहे हैं और कि भी आपका जो 2 किलो की काट है एपीएमसी सही मायने में नीचे इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, इसको ना करने की इसमें हमने 23 अगस्त को जो है ना आपका राज्य स्तरीय जो है ना आपका एपीएमसी ढली के दफ्तर के ऊपर में। और हिमाचल प्रदेश देश के अमीर विधायकों वाले राज्यों में शुमार है। हिमाचल प्रदेश के विधायकों की औसत संपत्ति देश के सभी राज्यों के विधायकों की औसत संपत्ति के बराबर है। विधायकों की औसत संपत्ति के मामले में हिमाचल देश के टॉप 10 राज्यों की लिस्ट में शामिल है। यही नहीं, हिमाचल में 3% विधायक अरबपति भी हैं। विधायकों की संपत्ति को लेकर ADR और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। देश के कुल 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 5,454 करोड़ रुपए है। इस तरह औसतन देखा जाए तो देश में हर विधायक के पास 13,63,00,000 रुपए की संपत्ति है। देश में 88 विधायक अरबपति हैं। हिमाचल में भी 3% विधायक अरबपति हैं। हिमाचल में कुल 68 में से 2 विधायकों ने अपनी 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जो के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अपील का सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। हज कमेटी लद्दाख यूटी ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। चिम्यांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में लिया हिस्सा। हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की।
जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। दो दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। डीजीबीआरओ राजीव चौधरी ने सांबा के देवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले घाटी स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक की पिटाई कर दी। ये घटना राजौरी जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलोहरी की है। शिक्षक ने कहा कि मैंने छात्र को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा था और छात्र ने मुझ पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बुडवाल के शुभारंभ के साथ अखनूर के खौर ब्लॉक में नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों से राहत कार्य को लेकर करेंगे मंथन। हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का हुआ गठन। सीएम होंगे कॉरपोरेशन के चेयरमैन। कॉरपोरेशन करेगी एसेंशियल ड्रग लिस्ट कमेटी और राज्य स्तरीय खरीद कमेटी का गठन। जल उपकर राज्य आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को सीएम सुक्खू ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, सीपीएस संजय अवस्थी और मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना रहे मौजूद। हिमाचल विधानसभा की मॉनसून सत्र में होगी देरी। सीएम ने कहा प्रदेश में पुनर्वास का काम पूरा होने के बाद ही बुलाया जाएगा सत्र। अभी आपदा प्रबंधन पर है सरकार का पूरा ध्यान। गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में शोपिया में करंट लगने से एक युवक की मौत। टीम में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। सीजीआई डीवाई चंचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के सामने दलीलें पेश। याचिकाकर्ताओं के वकील की जिरह। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला। एसआईए ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। फैसले का किया जा रहा है स्वागत। जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार में जस्टिस गंजू की हत्या के मामले को फिर से खोलने का किया गया स्वागत। एसआईए ने मामले की शुरू कर दी है जांच। जेकेएलएफ के यासीन मलिक और अन्य पर है हत्या का आरोप। कश्मीरी पंडित संगठनों ने नीलकंठ गंजू हत्या की जांच के फैसले का किया है स्वागत। निर्दोषों के परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बताया बड़ा कदम। बीजेपी ने भी किया स्वागत। न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या केस को दोबारा खोले जाने पर राजनीति भी हुई तेज। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने केस खोले जाने का किया विरोध। रविन्द्र रैना ने बयान को बताया शर्मनाक। नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच एसआईए से करवाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा सरकार को चुने हुओं की जांच नहीं करानी चाहिए बल्कि ऐसी। सलाम दीदार बाबरेशी और सोलिंदा टनमर्क में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। नाका चेकिंग के दौरान 440 ग्राम प्रतिबंधित पोस्ता स्ट्रॉ, 182 ग्राम पोस्ता पाउडर और 370 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। मामला दर्ज। मोटरसाइकिल और ऑल्टो कार जब्त। अमरनाथ यात्रा जारी। जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था कश्मीर के लिए हुआ रवाना। सीएम सुक्खू का ऊपरी शिमला का दौरा। आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों से राहत कार्य को लेकर करेंगे मंथन।
पिछले 8 दिनों से बंद चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल, शाम तक बस सेवा भी शुरू होने की उम्मीद, वैकल्पिक मार्ग सुचारू रूप से चलते रहेंगे। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर के बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया समर्थन, कहा नेशनल हाईवे को नुकसान के लिए NHAI जिम्मेदार, वैज्ञानिक तरीके से निर्माण की वजह से हुआ नुकसान। और सेब मंडी सोलन में ठप हुआ, सेब के व्यापार पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की दो टूक, लिखित शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई, पेटी पर 2 किलो कट के विरोध में आढ़तियों से सेब नहीं खरीद रहे व्यापारी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला के भाषण का हवाला दिया, जिसमें जनमत संग्रह के इतिहास पर रोशनी डाली। यह भाषण 5 नवंबर 1951 को दिया गया था। कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ को बताया कि ये प्रावधान अस्थाई कैसे है। सीजीआई ने कहा कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य है और भारत की तुलना में जहां भूमि सुधार हो रहे हैं, सामंती पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कपिल सिब्बल ने अच्छी बहस की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। बहुत खुशी है मुझे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। वो लगातार कह रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के ये राजनीतिक फैसला है, इसे ऑर्डर के उन्होंने भी कहा है, वो पूरा आपके पास आ गया होगा, ये राजनीतिक फैसला है, इसमें जरूर इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो होता है इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और यही है और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। एसआईए ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आजहानी नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए आवाम से मदद मांगी है। 3 दहाई पहले रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आए और केस की तफ्तीश में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम लोगों की पहचान को मुकम्मल तौर पर गोपनीय रखा जाएगा और इसके अलावा मुनासिब इनाम भी दिया जाएगा। आवाम से कहा गया है कि वो 8899004976 या फिर ईमेल sspsia-kmr@jkpolice.gov.in पर इस कत्ल केस से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता करें। मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों और कश्मीरी पंडितों ने एसआईए की तरफ से आजहानी गंजू के कत्ल की तहकीकात के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस कदम को इन तमाम बेगुनाहों के खानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम करार दिया, जो दहशतगर्दों और पाकिस्तान के हाथों मारे गए थे। बीजेपी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। जस्टिस गंजू ने दहशतगर्द तंजीम JKLF के मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट को सिफारतकार रविंद्र महात्रे के कत्ल मामले में फांसी दी गई थी। एसआईए के जरिए पहली बार आजहानी गंजू के कत्ल का मामला दोबारा खोला गया है। 1989 में कश्मीर में जिनकी हत्या की गई नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिकालाल टपलू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया।
इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि इन लोगों ने साजिश लगातार की और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए जो जांच के बाद पता लगेगा। जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार ने जस्टिस गंजू की हत्या के मामले को फिर से खोलने के मोदी सरकार के कदम का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर एसआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जेकेएलएफ के यासीन मलिक और अन्य पर जस्टिस गंजू की हत्या का आरोप है। Indian government recent decision to revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me. Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkant Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkant Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के 34 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा फाइल खोलने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो लोग इस समय हैं उनको सरकार न्याय दे नहीं पा रही है, अब उनके मरे हुए लोगों को न्याय देने की बात की जा रही है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को हालात बिगाड़ने की साजिश करार दिया। वहीं भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता के इस बयान को शर्मनाक करार दिया। पिछली ये बातें जितनी भी की जा रही है उखेड़ी जा रही है, ये तो हालात बिगाड़ने की बातें हैं, समझ गए ना। ये जानबूझकर इसका मतलब ये है कि हालात को ख़राब करने की और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे उन लोगों को न्याय मिलेगा, उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जो इस वक्त के उन्हें तो न्याय मिल नहीं रहा, अब उनके मरे हुओं को उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें क्या न्याय मिलेगा, जब न्याय अगर देना था तो उस वक्त मिलना चाहिए। जब कोई मामला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ऐसे किसी मामले के ऊपर इस किस्म की बयानबाजी देना गलत है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस किस्म की बयानबाजी करना। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया है। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, लेकिन कभी कभी सियासतदान इश्तियाल अंगेजी करके जहर घोल के अपने मफाद के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस मामले को लेकर तहकीकात की मांग की हो या तहकीकात की जा रही हो, ऐसे वक्त इस किस्म के बयानात ठीक नहीं होते। तो ये भी कहते हैं कि माहौल बिगड़ेगा, खलीज पड़ेगी। जब मामला जो है वो
सुनवाई के लिए गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब तक इसकी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई बयानबाजी देनी चाहिए। लेकिन किसी की लाश पर सियासत करना गैर कानूनी, गैर आईनी तो है ही है, इंसानियत को भी शर्मसार करता है। महबूब मुफ्ती के बयान की तरफ, उन्होंने कल कहा कि आप लोग परिवारवाद की बात करें, आप सिर्फ तीन परिवारों की बात करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, यहाँ बेरोजगारी है, करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात को जानती है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन का दौर आया है, यह भारतीय जनता पार्टी की देन। नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच एसआईए से करवाने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चुने हुए की जांच नहीं करानी चाहिए, बल्कि ऐसी हत्याओं के मूल कारणों के बारे में जानने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। में ये वाका हुआ था और 89 में ही मिलिटेंसी का आगाज हुआ था जम्मू कश्मीर में। आज तक 33-34 साल हो गए। तो सिलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बहुत से लोगों की जाने गई हैं, अनगिनत लोगों की जाने गई हैं, और इन सब चीजों को समझते हुए कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि 34 साल के बाद अब कुछ केसेस को तराशा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इस केस के मतलब अगर कोई आपके पास सबूत हैं या कोई उसके साथ कनेक्टेड कोई स्टोरी है तो वो आप आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी ये हुए हैं, हादसे हुए हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी वाकात हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वहाँ लोग सामने आएंगे। अब कश्मीर के अंदर जो है ये थोड़ा वक्फा नहीं, बहुत बड़ा वक्फा है, 34 साल कम वक्फा नहीं होता है। तो बहरहाल अब यहाँ से ये निकला हुआ है, उनका क्या मुद्दा है या मकसद है, मैंने भी पढ़ा ये, तो लगा ये कि सिलेक्टिवनेस क्यों है। इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं, मुस्तफा मीर की किलिंग हुई थी जो हमारा लेजिस्लेचर था, पहले जो पहली किलिंग हुई थी उसका नाम था गुलाम मोहम्मद हलवाई जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। फिर उसके बाद इतनी अनगिनत, वन कैन नॉट काउंट। तो अगर खोलना है तो सारे कोशिश को खोलना चाहिए और देखना चाहिए इसके के लिए कौन जिम्मेदार था, कैसे था, कैसे हुआ, तो करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, अगर इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। आज हम ये समझते हैं कि ये जो वाकात हुए हैं तो हमारे ये स्टैंड रहा है कि एक कमीशन बनाया जाए ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन, कि ये हुआ क्यों, किन क्या वजूहात है। जहां जब बहस करते हैं, बातें करते हैं, तो उस वक्त कहते हैं नहीं जनाब 1987 में रिगिंग हो गई थी इस वजह से हुआ। वो अपने उन चीजों को छुपाना चाहते हैं जो चीज है, हकीकत में चीजें हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें शिकायत हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, मारे गए हैं लोग, रिश्तेदार कई के थे, फैमिली की फैमिली तबाह हो गई है, खत्म हो गए हैं। तो जुल्म जुल्म होता है, तो हम समझते हैं कि इसको बाज़ाब्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करना, लार्ज स्केल के ऊपर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये वाकात कैसे हुए, कैसे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ये रही कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया, मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संको में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग। चौथी योगासन 2 दिवसीय चैंपियनशिप त्राल के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए। अनंतनाग के गंजीवारा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और R&B विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है।
जोनल टीएलएम मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने टीएलएम का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाप्त। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला, एसआईए ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा, सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। हज कमेटी लद्दाख यूटी ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। चिमयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में लिया हिस्सा। हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की। जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। 2 दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। डीजीबीआरओ राजीव चौधरी ने सांबा के दीवक नदी। अब ब्रेक के बाद टॉप 18 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 1989 में स्वर्गीय नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश की जांच के फैसले का स्वागत किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि पुलिस को अन्य सभी हत्याओं की भी जांच करनी चाहिए। नीलकंठ गंजू का जो एसेसिनेशन केस है उसमें एसआईए ने यह कहा है कि लोग जो भी जानते होंगे कुछ भी उसके बारे में वो जानकारी दें ताकि ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो क्या थी, क्यों कर उनको उनकी हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है इस कदम? देखिए, कोई साजिश का अगर पर्दाफाश किया जा रहा है तो अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं कि किसी भी जांच में लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह की बहुत सारी हत्याएं हुई। 34 साल के बाद याद आया कि उसकी जांच करनी चाहिए और अभी तक वो एजेंसी जो है वो आज तक क्यों नाकाम रही कि उसकी साजिश को बेनकाम नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसी साजिश थी तो 34 साल से क्यों नहीं हुआ। हत्याएं तो इसी तरह से बहुत सी हुई, माइनॉरिटीज की भी हुई। तो हर मौत जो है वो दर्दनाक है, हर हत्या जो है वो एक कलंक है और सेलेक्टिव हत्याएं जो हुई हैं उसके पीछे तो जरूर पाकिस्तान की आतंकवाद की साजिश तो थी ही थी। तो इसलिए उन तमाम साजिशों का बेनकाब करना चाहिए, कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि आज तक क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस भी सरकार में रही, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार को अब क्या कहेंगे, तब इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, ना सरकार जांच करती है ना पॉलिटिशियन करता है। वही ऑफिसर वही मशीनरी उस वक्त भी थी, वही मशीनरी आज भी है, 9 साल से ये भी हैं और बीच में बीजेपी और भाजपा की सरकार भी थी। अगर आप उंगलियां उठाने लगेंगे तो हर पे उंगली आ जाती है। तो क्या कांग्रेस ना आयल थी तो बाकी जो लोग थे वो भी ना आयल थे? तो इसलिए कांग्रेस जो बाकी का सवाल नहीं है, किसी ने कोई पर्दादारी नहीं की है। अब क्या उसमें ट्विस्ट या टर्न देना चाहेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए। लेकिन 34 साल तक यही मशीनरी, यही आईपीएस ऑफिसर, यही पुलिस एजेंसी, वही पुलिस एजेंसी जांच कर रही है। इसलिए इसका सियासी मायने निकालना अगर होगा तो मैं समझता हूं कि वो इंसाफ नहीं होगा। लेकिन अगर सही मायने में आप उस चीज जांच कर रहे हैं तो ऐसी और बहुत सी हत्याएं हैं, बहुत से मिनिस्टर्स मारे गए, एमएलए मारे गए। तो हर हत्या मैंने कहा कि उसके पीछे साजिश कोई ना कोई होती है। किश्तवाड़ में किलिंग्स हुई हैं, इस सरकार के दौरान में हुई है, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, कश्मीर के अंदर हुई हैं, उंगलियां उठती रही हैं, कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलिटेंटों को कैरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो तमाम चीजों को बेनकाब करिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे सच सामने आना चाहिए और किसी को भी किसी भी मकसद से मारा गया, पाकिस्तान और आतंकवादी तो सामने मंसूबा लेकर के खड़े थे, वो हमको मालूम है। अगर और कोई एंगल है तो उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। वही तो सीबीआई करती रही, वो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको जांच मिलती रही। तो आज एनआईए भी है, अब एसआईए है, तो ठीक है,
हम किसी भी ऐसी चीज का स्वागत करेंगे अगर वो बगैर किसी सियासी मोटिव और टारगेट के होगा। गंजू के केस को दोबारा खोले जाने का बीजेपी ने भी स्वागत किया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा इससे प्रभावितों को इंसाफ मिल सकेगा। 1989 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और उस समय मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस गंजू की हत्या और उस हत्या के आरोप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने वाले यासीन मलिक जब प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए जाते होंगे, जब प्रधानमंत्री से बात करते हुए पीड़ित लोग देखते होंगे, तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। आज जस्टिस गंजू के केस को दोबारा रीओपन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देना, ये उन लाखों परिवारों के जख्मों पे मरहम देगा जिनके सामने उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, माता पिता, दादा कत्ल किए गए थे, इज्जत लूटी गई थी। आज जिस प्रकार से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस केस का को रीओपन करके इसकी जांच शुरू करेगी, ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्होंने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए थे। आज न्याय की एक नई आस उन पीड़ित परिवारों के दिलों में जागी है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की एनडीए सरकार, उसका एक दृढ़ पॉलिटिकल कन्विक्शन, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कन्विक्शन कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए जो है, ये उसका परिचायक है। बडगाम में पत्रकार डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल डीडीसी के सोशल मीडिया स्टेटस पर सारा बवाल मचा, इसमें पत्रकारों को खतरनाक बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, ऐसा किस आधार पर लिखा गया ये भी क्लेरिफिकेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया से स्टेटस डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन पत्रकार डीडीसी चेयरमैन से माफी की मांग कर रहे हैं। डीसी बटगाम ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्रकार डीसी कार्यालय के गेट से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इनका मुतालबा है डीडीसी चेयरमैन साहब क्लियर आए, एक तो जस्ट के। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी, जहां नालागढ़ के तहत पुलिस थाना मानपुरा के तहत दो अलग अलग स्थानों पर सुसाइड के मामले सामने आए। पहला मामला गांव हरायपुर का है, जहां एक साल के प्रवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला खेड़ा के दुर्गाधाम कॉलोनी का, जहां 24 साल की विवाहिता ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार विवाहिता सीता देवी की शादी करीब एक साल पहले हुई थी, वो अलग रह रही थी। मई 2022 सब कुछ सही से चल रहा था। हाँ। घर परिवार में क्या होता है ना होता है सब बाप बेटी हमें कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, दिल पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। और सीएम सुक्खू के दौरे को लेकर बड़ी खबर है। सीएम सुक्खू आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं, यहाँ वो चौपाल पहुंच चुके हैं। वहीं कोटखाई और रोहड़ू का दौरा भी करने वाले हैं, वो यहाँ आपदा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। और 9 अगस्त को वो रामपुर के ननखेड़ी का दौरा करेंगे। उनका कोटगढ़, नारकंडा और कुमारसेन का दौरा भी है, जहाँ वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम सुक्खू का 9 अगस्त की शाम को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। तो टॉप 18 में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। निरीक्षण देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में शोपिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया। मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संको में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग।
चौथी योगासन दो दिवसीय चैंपियनशिप त्राल के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए। अनंतनाग के गंजीवारा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और R&B विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। जोनल TLM मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने TLM का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाप्त। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला, SIA ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा, सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। हज कमेटी लद्दाख UT ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। चिमयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में लिया हिस्सा। हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की। जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। 2 दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। DGBRO राजीव चौधरी ने सांबा के देवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। हेलो, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और लेकर आई हूं आपके लिए वो खास शो जिसमें आपको मिलता है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत जुबैर आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी है। उन्होंने सिर्फ अपने दम पर बहुत छोटी सी उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। आज जन्नत अपने किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती है। वहीं उनके स्टाइल पर दुनिया भर के लोग फिदा रहते हैं। लोग जन्नत की एक झलक के दीवाने हो गए हैं। जन्नत अपने नए लुक की वजह से अब एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींच रही है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई फोटो शेयर की है। लेटेस्ट फोटोशूट के लिए एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का खूबसूरत लहंगा पहना है। इसके साथ उन्होंने सिल्वर सीक्वेंस वाला दुपट्टा कैरी किया है। जन्नत ने अपने लुक को फ्लॉन्ट करते हुए कई पोज दिए हैं। जन्नत ने अपने इस लुक को सटल शिमर बेस्ड न्यूड ग्लॉसी क्रीमी और स्मोकी न्यूड आइज से कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने डायमंड इयररिंग्स कैरी किए हैं और बालों को सॉफ्ट वेवी टच देकर ओपन रखा है। एक्ट्रेस हमेशा की तरह इस लुक में काफी स्टनिंग दिख रही है।
छोटी सी उम्र में ही चन्नत जुबैर टीवी शोज से लेकर वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस और बॉलीवुड का भी हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कुछ समय से उन्हें कम ही प्रोजेक्ट्स में देखा जा रहा है। तिवारी ने बहुत कम वक्त में इंडस्ट्री और फैंस के बीच अपनी एक खास पहचान हासिल कर ली है। आज लोग उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। एक्ट्रेस भी अपने फैंस के साथ जुड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ऐसे में पलक के नए लुक्स की झलक इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती रहती है। फैंस भी उनके हर स्टाइल पर फिदा हो जाते हैं। पलक का एक नया अंदाज देखने को मिला है। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। यहाँ पलक ने पीच कलर की सीजलिंग साड़ी पहनी है। पलक ने इस लुक को स्मोकी मेकअप से कंप्लीट किया है। उन्होंने अपने इस लुक को सटल बेस के साथ रोजी शिमर चीक्स, ग्लॉसी लिप्स और स्मोकी आई मेकअप से कंप्लीट किया है। इसके साथ एक्ट्रेस ने हाथ में गोल्ड के बैंगल्स कैरी किए हैं और बालों को सॉफ्ट कर्ल्स के साथ ओपन रखा है। पलक अपने इस एथनिक वियर में बेहद ही शानदार लग रही है। फैंस भी उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। पलक के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने पिछले ही दिनों सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिलहाल वो अपनी अगली फिल्म द वर्जिन ट्री को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में पलक के अलावा संजय दत्त और मौनी रॉय जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं। अगस्त को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर आम आदमी से लेकर सेलिब्स ने अपने दोस्तों के लिए स्पेशल मैसेज और पोस्ट शेयर। एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ क्या हुआ तेरा वादा गाना गाते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दोस्तों के साथ मस्ती करने का कोई मुकाबला नहीं, चाहे कोई भी उम्र या स्टेज हो, मेरे दोस्त मेरे अंदर के बच्चे को खींच लाते हैं। भगवान सभी को दोस्ती की खुशी दे। इस वीडियो में अक्षय कुमार अपने हाथों में वाइपर लिए गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अक्षय के साथ एक्ट्रेस असीम के पति राहुल शर्मा भी नजर आ रहे हैं। राहुल के हाथ में जिम बॉल भी नजर आ रही है। Thank you.
निर्देशक आनंद एल राय ने साल 2013 में प्रदर्शित फिल्म राजना में पहली बार तमिल अभिनेता धनुष के साथ काम किया था। उसके बाद डायरेक्टर एक्टर की इस जोड़ी ने पिछले साल प्रदर्शित फिल्म अतरंगी रे में दोबारा काम किया और इस साल फिल्म रांझना के 10 साल पूरे होने के मौके पर निर्देशक ने धनुष के साथ अपनी तीसरी फिल्म तेरे इश्क में की घोषणा की। रांझना को आनंद ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शूट किया था। अतरंगी को वाराणसी और आगरा में शूट किया था। अब निर्देशक अभिनेता की इस जोड़ी को अपनी तीसरी फिल्म के लिए भी उत्तर प्रदेश पसंद आया है। फिल्म के लेखक हिमांशु शर्मा और नीरज यादव फिल्म की पटकथा लगभग पूरी लिख चुके हैं और अक्टूबर में फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो जाएगा। निर्माता और निर्देशक की योजना नवंबर महीने में इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में शूट करने की है। हालांकि शहरों के नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में धनुष शेखर नामक एक गुस्सैल आशिक की भूमिका में होंगे। फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है। रांझना और अतरंगी रे फिल्मों में वाराणसी और आगरा को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्देशक आनंद एल राय इस फिल्म में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दिखाने वाले हैं। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज मां बन गई है। जब से एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है तब से ही वो लगातार इस खूबसूरत जर्नी की झलक फैंस के साथ शेयर कर रही थी। अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ मां बनने की गुड न्यूज शेयर की है। इलियाना ने 1 अगस्त को एक बेटे को जन्म दिया है। एक्ट्रेस ने 5 दिन बाद ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नन्हे बच्चे की पहली फोटो शेयर की है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में लियाना के नन्हे शहजादे सोते हुए क्यूट लग रहे हैं। उन्होंने उसका नाम को ऑफ फिनिक्स डोलन रखा है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, शब्दों में यह नहीं बताया जा सकता कि हम अपने प्यारे बेटे का दुनिया में स्वागत करते हुए कितने खुश हैं। दिल भर गया है। इलियाना डिक्रूज के इस पोस्ट पर लोग जमकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते ही अथिया शेट्टी, नरगिस फाखरी और टप्पू रत्नानी जैसे सेलेब्स ने बधाई हो के मैसेज कमेंट में शेयर किया है, जबकि फैंस दिल की इमोजी शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इलियाना ने अपने पार्टनर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपनी डेट नाइट की तस्वीर शेयर करते हुए बॉयफ्रेंड का फेस सामने दिखाया था। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है, जो रुस्तम, मैं तेरा हीरो और बर्फी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है, जबकि वो साउथ की फिल्मों में भी दिख चुकी है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में शोपिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, लेकिन विडंबना ये रही कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया। मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संकों में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग। चौथी योगासन 2 दिवसीय चैंपियनशिप त्राल के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए।
अनंतनाग के गंजीवारा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और R&B विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। जोनल TLM मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने TLM का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाप्त। सरन टॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं जिनका सिक्का बॉलीवुड में भी खूब चलता है। श्रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने रेड ड्रेस में अपनी बेहद स्टाइलिश फोटोज शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। रेड कलर के थाई हाई स्कर्ट और फुल स्लीव्स मैचिंग क्रॉप टॉप पहनकर वो किलर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस तस्वीरों में अपनी टोन्ड लेग्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं। फैंस उनकी कातिल अदाओं पर फिदा हो रहे हैं। उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। श्रिया सरन एक्टिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस के लिए भी काफी मशहूर हैं। कमेंट सेक्शन में लोग उनकी अदाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। श्रिया अक्सर अपनी बोल्ड एंड ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर कहर बरपाती रहती हैं। दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री की श्रिया काफी चर्चित और डिमांडिंग एक्ट्रेस है। तुझे मेरी कसम फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम हिंदी फिल्मों में काम किया है। दृश्यम फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान मिली। श्रिया सरन एक बेटी की मां है, लेकिन उन्होंने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन किया है। एक्ट्रेस की सिजलिंग फोटोज देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। सिंगर कुमार सानू भले ही अब ज्यादा गाने नहीं गाते हों, लेकिन उनके 90s के गाने की तो दुनिया दीवानी है। वे आज भी जहां भी जाते हैं अपनी आवाज से समां बांध देते हैं। कुमार सानू ने अपने करियर में कई सारे गाने गाए हैं और अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उन्होंने 80s, 90s और 2000 की शुरुआत में गाने गाए और सभी को अपनी मधुर आवाज का कायल बना दिया। उनकी आवाज का
का जादू आज भी बरकरार है और फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं। तभी तो एक फैन कुमार सानू से मिलने के लिए 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर उन्हें मिलने पहुंचा। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स जैसे ही कुमार सानू को देखता है तो उनके पैर छूता है। सानू दा ने भी अपने फैन को गले लगाया। उस शख्स से मिलकर कुमार सानू भी काफी खुश नजर आए। शख्स की बात करें तो उसका नाम राकेश बलोतिया है। राकेश जी राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। उन्होंने झुंझुनू से मुंबई पहुंचकर कुमार सानू से मुलाकात की। राकेश ने कुमार सानू के नाम की टी शर्ट भी पहनी हुई थी जो दोनों तरफ से प्रिंटेड थी। टी शर्ट में दोनों ओर कुमार सानू की तस्वीर नजर आ रही है। कुमार सानू की बात करें तो सिंगर पिछले 4 दशक से फिल्मों में गाने गा रहे हैं। उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और अनिल कपूर जैसे स्टार्स के लिए न जाने कितने सुपरहिट गाने गाए हैं। कुमार सानू को करियर में कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। छोटे पर्दे की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है जेनिफर विंगेट। उन्होंने अपनी एक्टिंग से खूब कमाल दिखाया है। इसके अलावा बोल्डनेस के मामले में वो किसी से कम नहीं है। एक्ट्रेस को हमेशा ही दर्शकों का खूब प्यार मिला है। वहीं बीते कुछ सालों से जेनिफर की दीवानगी लोगों के सिर कुछ ऐसी चढ़ी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में उनकी हर अदा पर लोग फिदा हो जाते हैं। जेनिफर अपने चाहने वालों के सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ी रहती हैं। ऐसे में एक्ट्रेस के प्रोजेक्ट के साथ साथ उनके नए लुक्स की भी झलक भी देखने को मिलती रहती है। वह अपनी फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस रहती हैं। हर कोई उनके खूबसूरती और फिटनेस का कायल है। जेनिफर चाहे जितनी भी बिजी हो वो अपनों के लिए टाइम निकाल ही लेती हैं। हाल ही में वह दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आई। उनके साथ उनका प्यारा डॉगी भी नजर आया। जेनिफर ने ये फोटोज फैंस के साथ शेयर की। फैंस ने जेनिफर के तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर वो इंस्टाग्राम पर अपना स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया उनकी खूबसूरत फोटोज और वीडियोस से भरा हुआ है जिसकी एक झलक आप उनके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना खास ख्याल। टेक केयर। बाय बाय। फ्लिपकार्ट पे ट्रेंडी कुछ 3 दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला। SIA ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान।
हज कमेटी लद्दाख यूटी ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में लिया हिस्सा। हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की। जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। दो दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। डीजीबीआरओ राजीव चौधरी ने सांबा के देवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। इस दौरान सुरेश कश्यप ने सोलन मीनस रोड और चेला नैरापुल कुम्हारहट्टी रोड के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री से की विस्तार से चर्चा। भारी बारिश की वजह से धर्मशाला के कोतवाली बाजार में चार दुकानों को खासा नुकसान। बारिश की वजह से यहां पहले मंजिल पर बनी दो दुकानें नीचे बनी दो दुकानों पर जा गिरी। दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना। हमीरपुर में बड़सर के पास अचानक पहाड़ दरकने से स्कूल के लिए जा रहा शिक्षक बाल बाल बचा। अचानक एक जगह पर पहाड़ दरका। गनीमत रही स्कूटी पर जा रहा शिक्षक चट्टानों की चपेट में आने से बचा। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी। यहाँ नेशनल हाईवे 3 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से किसानों और बागवानों को ज्यादा मुश्किलात। कृषि मंत्री चंद कुमार ने कांगड़ा के इंदौरा पमंडल के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र का किया दौरा। कृषि मंत्री ने बताया प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए सीएम सुक्खू ने 1,000 करोड़ रूपए की विशेष राशि का प्रावधान रखा है। आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हमीरपुर में चंदा इकट्ठा किया ताकि चंदे की राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा करवाया जा सके। हमीरपुर में पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने आपदा के समय में केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। अनीता वर्मा ने कहा केंद्र के नेताओं ने हिमाचल का दौरा करके सारी स्थिति को करीब से जाना है, इसलिए जल्द हिमाचल की मदद की जानी चाहिए। सोलन दौरे के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट पहुंचे और यहां दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए। हरिद्वार से धर्मशाला आ रही एचआरटीसी बस के चालक से मारपीट की घटना। मारपीट की वारदात पंजाब के आनंदपुर साहिब में घटी, जहां आरोप है कि कार सवार कुछ युवकों ने पहले बस को ओवरटेक किया और फिर ड्राइवर की पिटाई। नालागढ़ के महादेव पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा। एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नदी में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बद्दी के भुन बैरियर के पास दर्दनाक सड़क हादसा। एक बाइक सवार की मौके पर मौत। यहां हादसे के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे जा घुसी थी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच की शुरू। खबर चंबा से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स कर्मचारी ने सीएमओ के नाम पर रिश्वत ले ली। इस मामले में सीएमओ की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई में जुटी। नालागढ़ पुलिस ने अवैध खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने अंदरौला खंड में अवैध खनन कर रहे एक टिप्पर, एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टर को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। नूरपुर पुलिस को नशा विरोधी अभियान के तहत कामयाबी हासिल। यहां पुलिस ने एक कार से 54,000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की। इस मामले में हिमाचल एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज। नगर निगम मंडी ने कूड़े का सही प्रबंध न होने के लिए 27 लाख का जुर्माना भरा। इस बात की जानकारी नगर निगम मंडी के कमिश्नर एचएस राणा ने सेरी मंच पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दी।
शिमला में मॉल रोड के जीरो डिग्री रेस्टोरेंट में पिज्जा से कॉकरोच निकलने का मामला। मामले में ग्राहकों ने रेस्टोरेंट पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जांच जारी। विश्वख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं ने 40 किलो चांदी मां के चरणों में अर्पित की। इस चांदी की कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। इस चांदी से अब माता जी के मंदिर के मुख्य मंदिर के गर्भगृह के स्तंभ सजाए जाएंगे। खबर सोलन से, जहां सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू। ये अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसमें बच्चों महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। कुल्लू में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सभी सरकारी स्कूल खुल गए। इस दौरान प्राथमिक से हाई स्कूल तक विद्यालय छात्र छात्राओं से गुलजार। कांगड़ा में प्रशासन की ओर से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपना कांगड़ा नाम से कई स्टोर्स तैयार किए गए, जिससे कांगड़ा के सेल्फ हेल्प समूह के साथ जुड़े हुए लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर पाएंगे। सरकारी स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक की पिटाई कर दी। ये घटना राजौरी जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलोहरी की है। शिक्षक ने कहा कि मैंने छात्र को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा था और छात्र ने मुझ पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बुडवाल के शुभारंभ के साथ अखनूर के खौर ब्लॉक में नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, अधिकारियों से राहत कार्य को लेकर करेंगे मंथन। हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का हुआ गठन। सीएम होंगे कॉरपोरेशन के चेयरमैन। कॉरपोरेशन करेगी एसेंशियल ड्रग लिस्ट कमेटी और राज्य स्तरीय खरीद कमेटी का गठन। जल उपकर राज्य आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को सीएम सुक्खू ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, सीपीए संजय अवस्थी और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना रहे मौजूद। हिमाचल विधानसभा की मॉनसून सत्र में होगी देरी। सीएम ने कहा प्रदेश में पुनर्वास का काम पूरा होने के बाद ही बुलाया जाएगा सत्र, अभी आपदा प्रबंधन पर है सरकार का पूरा ध्यान। 6.9 करोड़ व्यूअर्स, 70 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंचूर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के सामने दलीलें पेश। याचिकाकर्ताओं के वकील की जिरह। 3 दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल का मामला। एसआईए ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। फैसले का किया जा रहा है स्वागत। जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार ने जस्टिस गंजू की हत्या के मामले को फिर से खोलने का किया स्वागत। एसआईए ने मामले की शुरू कर दी है जाँच। जेकेएलएफ के यासीन मलिक और अन्य पर है हत्या का आरोप। कश्मीरी पंडित संगठनों ने नीलकंठ गंजू हत्या की जांच के फैसले का किया स्वागत। निर्दोषों के परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बताया बड़ा कदम। बीजेपी ने भी किया स्वागत। न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या केस को दोबारा खोले जाने पर राजनीति हुई तेज। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने केस खोले जाने का किया विरोध। वहीं रविंद्र रैना ने बर्क के बयान को बताया शर्मनाक। और शेख बशीर ने नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच एसआईए से करवाने के फैसले का किया स्वागत। कहा सरकार को चुने हुए की जांच नहीं करानी चाहिए, बल्कि ऐसी हत्याओं के मूल कारणों के बारे में जानने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। सलाम दीदार बाबरेशी और सोलिंगा टनमर्क में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। नाका चेकिंग के दौरान 440 ग्राम प्रतिबंधित पोस्ता स्ट्रॉ, 182 ग्राम पोस्ता पाउडर और 370 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। मामला दर्ज। मोटरसाइकिल और ऑल्टो कार भी जब्त। अमरनाथ यात्रा जारी। जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था कश्मीर के लिए हुआ रवाना।
सीएम सुक्खू का ऊपरी शिमला का दौरा, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, अधिकारियों से राहत कार्य को लेकर करेंगे मंथन। पिछले 8 दिनों से बंद चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे, छोटे वाहनों के लिए बहाल, शाम तक बस सेवा भी शुरू होने की उम्मीद, वैकल्पिक मार्ग सुचारू रूप से रहेंगे चालू। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर के बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया समर्थन, कहा नेशनल हाईवे को हुए नुकसान के लिए एनएचएआई जिम्मेदार, अवैधानिक तरीके से निर्माण की वजह से हुआ नुकसान। सेब मंडी सोलन में ठप हुआ सेब के व्यापार पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की दो टूक, लिखित शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई, पेटी पर 2 किलो कट के विरोध में आढ़तियों से सेब नहीं खरीद रहे व्यापारी। Presented by एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम न्यू नेट 3 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला के भाषण का हवाला दिया है, जिसमें जनमत संग्रह के इतिहास पर रोशनी डाली। ये भाषण 5 नवम्बर 1951 को दिया गया था। कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ को बताया कि ये प्रावधान अस्थायी कैसे है। सीजीआई ने कहा, पाकिस्तान एक सामंती राज्य है और भारत की तुलना में जहां भूमि सुधार हो रहे हैं, सामंती पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कपिल सिब्बल ने अच्छी बहस की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, बहुत खुशी है मुझे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। सर, वो लगातार कह रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के ये राजनीतिक फैसला है, इसे ऑर्डर के उन्होंने भी कहा है, वो पूरा आपके पास आ गया होगा। ये राजनीतिक फैसला है, इसमें जरूर, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो होता है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और यही है, और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ। एसआईए ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आजहानी नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकात के लिए आवाम से मदद मांगी है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे